हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बुलेट स्टैंडर्ड का ऑनरशिप रिव्यू। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं दीपक, जो कि इस स्टैंडर्ड बाइक के ऑनर हैं। हम इनसे जानेंगे इस बाइक की खामियां और अच्छाइयां, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस मनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी वाला। स्टैंडर्ड 350 क्लासिक 350। अच्छा, ये आपने कब लिया था? ये परचेस किया था मैंने 2017 नवंबर में। अच्छा, तो आपने यही इसका मॉडल क्यों लिया? इसमें और भी वेरिएंट आते हैं? इसमें आते हैं और भी वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं गया था जब बुलेट शोरूम पे, तो मुझे क्लासिक पसंद आया था। अच्छा। रेड एंड ब्लैक कलर का। लेकिन फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैंने बहुत लोगों से सजेशंस लिए कि मैं अगर मैं बुलेट ले रहा हूँ तो मैं कौन सा बुलेट मुझे ख़रीदना चाहिए। अच्छा, तो उसमें मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि ये क्लास अपना स्टैंडर्ड जो है 350, जो इसका बेसिक मॉडल है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को चॉइस में है ये वाला। अच्छा, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इसको। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। अगर तुम इन फ्यूचर अगर इसको सेल करना चाहते हो तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। जब आपने परचेज करी थी तो आप पंजाब में रहते थे, तो मुझे लगता है कि पंजाब साइड ये मॉडल ज़्यादा चलता है। इधर दिल्ली NCR में तो ये देखने को नहीं मिलता है। अभी पंजाब में सबसे ज़्यादा चलता है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। पंजाब में रीसेल वैल्यू अच्छी है या दिल्ली NCR में भी अच्छी है? कहीं भी इसकी कहीं भी ले लो, आपकी हर जगह इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। अच्छा, आपको इसका मतलब अगर इन फ्यूचर तुम इसको 5-6 साल चला के अगर तुम बोर हो जाते हो और तुम्हें कुछ नई बाइक्स मार्केट में आती है, तुम उन्हें खरीदने जा रहे हो, तो इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी इन कंपेयर टू दी अदर्स बुलेट। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है, तो इसमें अलॉय व्हील ये आपने अलग से लगवाए थे या फिर लगे आए थे? ये सब कुछ मैंने अलग से कराया। इसकी सारी ये इसका लेग गार्ड और ये इसका अलॉय व्हील, ये सब कुछ मैंने जब मैंने परचेस की थी उसी टाइम पे चेंज करा लिया था सब कुछ। ये आपने शोरूम से कराया था फिर आफ्टर मार्केट है? ये शोरूम से ही कराया गया है सारा कुछ, क्योंकि उनके पास में कुछ हार्ले डेविडसन के पार्ट्स रखे हुए थे, तो मैंने वहीं पर ये चूज़ किए थे, वहीं से मैंने ये सब कुछ लगवाया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने और मॉडिफिकेशंस भी करा रखी हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं लाइट के ऊपर इन्होंने कवर लगा रखा है आपने, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सब कुछ भी मैंने बुलेट के वहीं से कराया है, लेकिन जो बुलेट के शोरूम पे था ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था मुझे वहाँ से। अच्छा, तो फिर मैं ये जो था, क्योंकि मुझे वहीं के किसी बंदे ने जो उनके मैकेनिक्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ से लोगे तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, आप इसको बाहर से लगवाओ। तो बाहर से जब मैंने इसको लगवाया था, ये मेरे को आई थिंक 600 रुपये के आसपास सारा कुछ कवर पड़ गया था। ये वाला ये इंडिकेटर पर सारा ये जितना भी कवर है ये सारा कुछ मुझे वहाँ से 600 रुपीज़ का पड़ गया था बाहर। तो अब मुझे बताइए कि जो क्लासिक है और स्टैंडर्ड है, उसको चलाने में दोनों में कुछ फील का फ़र्क है? मैंने तो दोनों चला के देखी होंगी वहाँ पे। दोनों चला के देखी हैं, एक्चुअली क्या है, जो मैंने देखा है ना, जो क्लासिक है, क्लासिक को देखो वो भी स्टैंडर्ड जा रही है। अच्छा, तो क्लासिक का जो है, क्लासिक का ये है कि जिनकी हाइट कम है ना, हाँ, उन लोगों के लिए वो बहुत सही है। अच्छा, इस पे अगर कोई नॉर्मल जिसकी हाइट कम है ना वो चलाएगा तो उसके लेग्स भी नीचे तक नहीं पहुंच पाते कई बारी। अच्छा अच्छा, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्लासिक का लोग क्लासिक इसलिए भी परचेज़ करते हैं कि उसकी जो हाइट है वो कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है। अच्छा, तो आपने इसको मैक्सिमम स्पीड तक कितने तक चला रखा है? इसकी मैक्सिमम स्पीड जो मैंने अभी तक मेज़र की है वो 110 टू 115 तक मैंने इसको चलाया। इससे ऊपर मैं कभी जा ही नहीं पाया, मतलब ट्राई किया है मैंने बट जा नहीं पाया हूँ। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर ये जा सकती है? जा सकती है, आई थिंक इसमें कुछ कंपनी ने ही कुछ ऐसा किया हुआ है कि इसकी जो बोलते हैं ना कि बांध देते हैं, इसकी स्पीड बांध देते हैं, वो सब कुछ शायद बांध दिया है, बाकी देखते हैं। तो आपने कितने किलोमीटर तक अब इसको चला लिया है? ये अराउंड 11,000 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है, क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है कि मैं इसको ज़्यादा चला नहीं पाता, अब जितना चला पाता हूँ तो 11,000 तक ये कंप्लीट कर चुकी है, और इसको 3 साल हो जाएंगे अभी नवंबर में। अमूमन ये देखा गया है कि बुलेट चलाने वाले लोग माइलेज की चिंता नहीं करते हैं, तो आपने कभी इसका माइलेज टेस्ट किया है, कितना माइलेज ये देती है? बुलेट वो ही ख़रीदेगा जिसको माइलेज की चिंता नहीं होगी। मैंने इसका आज तक मेज़र नहीं किया, कभी मेज़र नहीं किया। दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वो ये है कि इसमें जो अपना पेट्रोल की जो एक मीटर आता है वो नहीं होता। अच्छा, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं लगता है कि इसके अंदर फ्यूल कितना है, कितना तक ये जा सकती है, वो सब कुछ लोगों को पता नहीं। आपको फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा कि कितना माइलेज मतलब है? मेरे हिसाब से ये 30 तक तो आराम से दे देती है बड़े प्यार से। अच्छा अच्छा, अब मुझे हमको ये बताइए कि आप इसकी सर्विस कहाँ कराते हैं? इसकी सर्विस सारी की सारी मैंने अभी तक बुलेट के शोरूम पे ही कराई है। तो इसकी कितनी सर्विस हो चुकी है अभी तक?
तीन साल में स्टार्टिंग में जो सर्विसेज होती हैं इसकी 4-5 फ्री होती हैं वो कंपनी की तरफ से। उसके अलावा मैंने जो पेड सर्विस कराई है वो अभी तक इसकी 3 सर्विस हो चुकी हैं, क्योंकि इसका जो सर्विस होती है वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद में जो शोरूम वाले हैं वो सजेस्ट करते हैं कि 3,000-4,000। कितने की कॉस्ट करती है इसकी सर्विस? एक सर्विस कॉस्ट करती है इसकी मुझे 1700-2000 रुपीस के आसपास। अच्छा, तो अभी तक इसकी नॉर्मल सर्विस हुई है, कुछ पार्ट्स भी चेंज हुए हैं? कोई पार्ट्स चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक शू के अलावा, क्योंकि ब्रेक ही है जो सबसे ज्यादा घिसा गया है इसका, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो सर्विस एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा वहाँ पे, जो लोग आपको अटेंड करते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, कैसा? बहुत नाइसली बिहेव करते हैं। सबसे बड़ी मुझे चीज़ इनकी रॉयल इनफील्ड वालों की सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है, आपको जो टाइम देंगे ना ये उसी टाइम पे आपको जाके, मतलब ये आपको खुद कॉल कर लेंगे कि सर आप आ जाओ सर्विस कराने के लिए। कई बार क्या होता है ये लोग घर से आपकी बुलेट लेके जाएंगे, सर्विस करके देंगे, फिर वापस घर पे छोड़ देंगे। अच्छा। तो सर्विस के मामले में बहुत सही है, जो रॉयल इनफील्ड के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ही सपोर्टिव। और आपको इस बाइक की कुछ खामियाँ अगर नज़र आई हो जो आप शेयर करना चाहते हो? खामियाँ मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ खामी इसमें नज़र आई नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जो लोग इसको स्टार्ट नहीं कर पाते कई बारी। अच्छा, तो वो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर सेल्फ लगाना चाहिए या फिर तुम खुद अपनी तरफ से भी लगवा सकते हो, लग जाता है सेल्फ, बट मुझे प्रेफर करता हूँ मैं तो ऐसे ही बिना सेल्फ के ही। आपने कभी कोशिश करी थी इसमें सेल्फ अलग से लगवाने की? नहीं, मैंने कभी इस तरीके की कोशिश नहीं करी, मुझे इसी में मेरे को मज़ा आता है यार, एक केकी तो मारनी है। ओके, तो ये था एक प्रॉपर रिव्यू बुलेट स्टैंडर्ड का। अगर आप बुलेट लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।